हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़ की चटनी की रेसिपी। ये चटनी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। इस चटनी को आप समोसा, टिक्की या पकौड़ी किसी के साथ में भी ले सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इस चटनी को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो चलिए फिर बनाते हैं इस चटनी को। गुड़ की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ ली हुई है और इसमें आधा चम्मच हम चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें अरारोट डालेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जिस कप से गुड़ नाप के लिया था उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। पानी डालने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा सा एक चुटकी के लगभग ऑरेंज कलर डाल देंगे। ऑरेंज कलर से अच्छा कलर आएगा इसका। और एक टुकड़ा कुटी हुई अदरक डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इसमें। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के लगभग मैंने तेल ले लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया, उसमें हम सौंफ डालेंगे आधा चम्मच और आधा चम्मच हम उसमें कलौंजी डाल देंगे और आधा चम्मच हींग डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चटकने तक पका लेंगे। और उसके बाद में हम इसमें जो चटनी का घोल बनाया था वो डाल देंगे और इसको हम धीमी आंच पर चलाते हुए कम से कम 5-6 मिनट तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पर जो चटनी हमारी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, मैंने इसको चलाते हुए पका लिया है और आप देख सकते हो चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी चटनी की रेसिपी। और जब भी आप घर में समोसा, टिक्की, पकौड़ी बनाइए तो इस चटनी को आप ज़रूर बनाइएगा।